हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग आफ्टर एक्स में एक रक्षाबंधन के लिए सोशल मीडिया एनिमेटेड पोस्ट बनाएंगे, जो कुछ इस टाइप से होगा। तो ये हमारे पास एक PSD फाइल है, इसको डिज़ाइन कैसे किया है फोटोशॉप में, इसका मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है और उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसको ले आकर सीधा आफ्टर एक्स में यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पे आपने कर देना है कंपोजिटिंग रिटेन लेयर साइजेस। आपने यहाँ पे लास्ट वाला चेक लगा होना चाहिए और यहाँ से ओके करेंगे और हमारा जो सभी कॉम्पोजिशन है PSD फाइल में जो हमने लेयर्स में बनाया हुआ है वो सब यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा कॉम्पोजिशन के ऊपर, तो यहाँ पे हमें जो कॉम्पोजिशन हमें लेयर चाहिए हम उसको यहाँ पे रखेंगे और बाकी को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और बैकग्राउंड को लॉक कर दूँगा और इसको भी डिलीट और इस शेप को यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ और सभी को सबसे पहले मैं इसको बंद कर दूँगा यहाँ तक और उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को हम यहाँ पर एनिमेट करेंगे। और आप लोग देख सकते हो मैंने इसको अलग अलग लेयर्स में यहाँ पर डिवाइड कर रखा है और इसका जो प्रोजेक्ट फाइल है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप लोग इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले इनको एनिमेट करूँगा, तो यहाँ पे इन दोनों के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, पी हिट करूँगा पोजीशन और यहाँ पे मैं जाऊँगा 2 सेकेंड पे और यहाँ पे इसका टाइम ऑन कर देंगे और उसके बाद जाऊँगा मैं स्टार्ट में और यहाँ पे एक एक को यहाँ पे मैं बाहर की ओर निकाल दूँगा। सबसे पहले इसका जो पोजीशन है यहाँ पे इसको मैं ऊपर की ओर ले लूँगा यहाँ पे इतना और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे इस सेकेंड वाले पे, इसको मैं यहाँ पे नीचे की ओर निकाल दूँगा यहाँ पे, यहाँ पे ये सही लग रहा है। और इनको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट में आएंगे, इजीज करेंगे और इसका ग्राफ एडिटर में जाकर इनकी स्पीड है, स्पीड यहाँ से सबसे पहले इसको मैं हल्का सा इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, तो सबसे पहले ऊपर वाले को सेलेक्ट करूँगा और इसका जो स्पीड है स्पीड यहाँ पर मैं हल्का सा फास्ट कर लूँगा इस तरीके से यहाँ पर, तो अब ये इस तरीके से आएगा। और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से जो हमारा सेकंड है इसको भी यहाँ पे ग्राफ एडिटर में जाकर राइट क्लिक करेंगे, एडिट स्पीड बार ग्राफ आपका चेक लगा होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे इसको भी मैं हल्का सा इस तरीके से फास्ट कर दूँगा, तब ये इस तरीके से आएगा ओके। और इन दोनों को मैं यहाँ से कर दूँगा लॉक और हम जाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट लेयर्स में और इन सभी को मैं ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा और 2 सेकेंड पे जाकर यहाँ पे हम टी हिट करेंगे इसकी ओपेसिटी और यहाँ पे मैं जाता हूँ तो ये 2 सेकेंड 10 फ्रेम यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 100% हो और यहाँ पे 2 सेकेंड पे गया मैं और इसकी ओपेसिटी 0 कर दूँगा, एंटर हिट करेंगे और ये इस तरीके से प्ले होगा। तो मैं चाहता हूँ इसकी ओपेसिटी है थोड़ी और दूर जाकर आए, तो यहाँ पर मैं 3 सेकेंड पर ले जाऊँगा इसको और इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, F9 हिट करेंगे इजी और उसके बाद यहाँ पे इसे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से प्ले होगा। आप लोग इसमें म्यूजिक कोई सा भी ऐड कर सकते हो, तो फाइनल म्यूजिक ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इसको मैं अब प्ले करता हूँ। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आपको यहाँ पर आफ्टर एक्स से रिलेटेड, प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर से रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, यहाँ से आप लोग बहुत कुछ फ्री में सीख सकते हो ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड, एनिमेशन के रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।